हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इंद्राणी और आज हम सब बात करेंगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे बहुत पसंद आए। मैं रिव्यू करना चाहती थी काफ़ी दिनों से, बट अब मैं करूँगी और इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर दैट सो ये जोसेफ मर्फी है शायद इनका नाम, हाँ। सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश हर जगह मिल जाएगी। इसको मैंने मतलब ये फैक्ट बेस्ड बुक है, बट इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कह लो या चीज़ें बोल लो या लेसन्स बोल लो जो कि आपकी लाइफ को बदल सकता है, लाइक लिटरली आपकी लाइफ को बदल सकता है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी क्लास वन होगी या क्लास टू होगी, या मतलब वीडियो वन होगा या वीडियो टू होगा, मुझे नहीं पता है। बट आज हम लोग बात करेंगे जो बेसिक टर्म्स हैं, लाइक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और इसमें एक टर्म है जैसे कि ऑटो सजेशन हुआ, ये बहुत सारी इसमें टीचिंग्स हैं जो ना अगर आप अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, कि जो लैंग्वेज इस बुक की बहुत सिंपल है और जो वो एक आर्ट ही अलग है जब आप सिंपल वर्ड्स में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हो। अभी मैं क्योंकि वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी आर्ट है, मतलब मेरी नहीं, जो लोग एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत अच्छे से बता पाते हैं, और इस चीज़ को मुझे भी सीखना है, राइट। एनीवे, तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो कॉन्शियस माइंड होता है ना उसको एक तरह से ऑब्जेक्टिव माइंड भी बोलते हैं, लाइक आई एम गोइंग एज पर दिस बुक, और ये ना ये बेसिक है लॉ ऑफ अजम्पशन का या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो ये बेसिक है। और इस किताब ने कभी खुल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं बात की। सो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को ना ऑब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं, रैशनल माइंड बोलते हैं, लॉजिकल माइंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो चलता है एज पर आवर फाइव सेंसेस। हमारा जो भी फाइव सेंसेस हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये जो फाइव सेंसेस, अगर एक सेंस छूट गया है, टच कर रहे हैं, तो ये जो सेंसेस हैं इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमको एनवायरमेंट में मिलता है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है वो काम जो है वो एक्चुअली सब कॉन्शियस माइंड का होता है, ठीक है। सो कॉन्शियस माइंड बेसिकली एक पहरेदार है, एक वॉचमैन है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या है, वो उसको इरेशनल माइंड बोलते हैं, उसको सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज़ टोटली गवर्न्ड बाय इमोशंस, ठीक है। वो जो है इमोशंस के आधार पर चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारा कॉन्शियस माइंड, अब इन दोनों का मैकेनिज्म समझते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, उसको अगर आप फीड करोगे इन्फॉर्मेशन, कॉन्शियस माइंड बेसिकली ना आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड बोले तो मतलब बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे जो आजू बाजू की चीज़ें हो रही होती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कॉन्शियस माइंड। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं ये चीज़ बार बार बोलती हूँ, और मैं ये खुद भी करती हूँ, अब तो मेरी आदत हो गई है, कि आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस तरह के इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, किस तरह के कन्वर्सेशन में आप खुद को इंडल्ज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आप अपने आप को कंज्यूम करवाएंगे, बी इट अ न्यूज़, बी इट अ वॉट एवर, इन सोशल मीडिया, इन न्यूज़पेपर, जो भी, वो चीज़ें जो हैं, आप कॉन्शियस माइंड वो चीज़ें देखेगा एंड देन वो उस चीज़ को ट्रांसफर कर देगा सबकॉन्शियस माइंड को। एक बार वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमोशनल है, उसको ना सही गलत का पता नहीं चलता है। बड़े मज़े की बात है, उसको सही गलत का पता नहीं चलता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि जो न्यूज़पेपर में जिसका मर्डर हुआ है वो इंसान को आप जानते हो या नहीं जानते हो। उसने बस उस फीलिंग को झट से ले लेना है और उसको अपने प्रोग्रामिंग में फीड कर देना है, दैट इज़ इट। और इसी वजह से अफर्मेशंस भी काम करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बता रही हूँ, जब हम अफर्मेशंस बोल रहे होते हैं, सपोज लाइक ये खुद से बोल रही होती हूँ दैट माई वीडियोज़ आर गेटिंग वायरल डे बाई डे, राइट। सो माई कॉन्शियस माइंड बींग द रैशनल माइंड, वो ये बोलता है हट पगली, ऐसा कुछ नहीं है, देख इतने ही तो व्यू आ रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ को आप पकड़ के रखो। तो ये चीज़ मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे बोलता है, ठीक है। कट टू, अब अगर मेरा काम है लाइक हाउ अफर्मेशन इज वर्किंग, मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैंने पहुंचा दिया बाय रिपीटेटिवली सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और वो चीज़ यहाँ प्रिंट हो गई, तो फिर ये जो रियलिटी है, जो मेरा अफर्मेशन है या फिर कोई भी अफर्मेशन है, लाइक आई हैव ग्लोइंग स्किन, आई हैव ब्यूटीफुल, कुछ भी, वो चीज़ मेरी रियलिटी होने से
नहीं रोक सकता, यानी कि वो चीज मेरे 3D में आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सही गलत का घंटा पता होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव है। दैट इज गवर्न्ड बाय योर इमोशन, दैट इज गवर्न्ड बाय योर एनर्जी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसीलिए उसको सुपर माइंड बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसको चीजें नहीं समझ में आती हैं, बट उसको चीजें सुनाई देती हैं, उसको चीजें दिखाई नहीं देती है, बट उसको चीजें फील होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि फीलिंग का खेल है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ चलता है। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम कुछ भी देखो लाइक वहां आग लग गई तो, और आपकी फैमिली बुला रही है, देखो कुछ तो हुआ था, वो ट्रेन एक्सीडेंट, तो मेरी फैमिली मुझे बुला रही थी, या फिर आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट, लेट्स जस्ट नॉट पर्सनल नहीं होने का, मतलब आपने देखा होगा ना कि चीजें आपकी फैमिली या फिर आपके दोस्त लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये चीज हुई उसके साथ, ये हत्याकांड, ये वो, नहीं सुनने का है, ठीक है, और उस चीज को आपने इग्नोर भी बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से करना है, राइट। तो ये जो डिस्कशन हम लोग बड़े सोचते हैं ना, लाइक पॉलिटिकल डिस्कशन हम लोग करते हैं और भी सोचते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, मैं सच बता रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे जाकर के वो ट्रिगर हो रही है आपको भी नहीं पता।